देखिए, आज यूपी के ज़िला बलिया जो बिलथरा रोड तहसील पड़ता है और यहाँ इन लोगों का ब्लॉक पड़ता है नगरा, जिसके अंतर्गत एक गांव पड़ता है ग्राम असढ़ियाँ बरौली बलिया। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं जो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये पूरा भारत में लॉकडाउन किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम पहुँचे हैं। क्या परेशानी है आप लोगों को, आप बताइए। साहब, काम धंधा सब बंद है। हम लोग का बांस का रोज़गार है, रोज़ करते हैं, रोज़ खाते हैं, और जब बंद भैया की वजह से भैया हमन का ना खाइल पियल सगरी बंद हो गई बात। छोटे छोटे बच्चे बा ना, सर अब कहाँ जाए जी, कैसे मांगल जाए, न खेत बा न गृहती बा, कुछ नहीं कि अमन का एको बीता तो बा ना ही, कहाँ से अमन का खाइल जी, कहाँ से पियल जाए। एंगन सरकार एंगन करी, हम देते 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 सगरी लूट के बैठ जाता लोग उधरिए से उधरिए, हमन के रहिए ना नहीं के आवत, हमन के क्यों ना सुविधा नहीं के मिल पावत, अब एंगन भूखे लड़का मरता ना सर। देखिए, इनका कहना ये है कि ये रोज़ कमाने वाले हैं, रोज़ खाने वाले हैं, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से ना काम कर रहे हैं ना खा पी रहे हैं, लोग बहुत परेशानी में हैं। हम चाहेंगे यहाँ के प्रशासन शासन इन लोगों के जो थाना पड़ता है भैमपुरा थाना पड़ता है, वहाँ के प्रशासन से हम चाहेंगे कि यहाँ इस ग्राम असरिया में आए। ये लोग जात के बस फोर हैं। स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उसके 25 साइड इन लोगों का घर है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। यहाँ प्रशासन आए और प्रशासन आके इन लोगों की जो भी व्यवस्था है थोड़ा व्यवस्था को ध्यान दे, जो भी आटा चावल जो भी सामान अगर देना चाहे प्रशासन तो भाई दे के इन लोगों को व्यवस्था करे। छोटे छोटे देख सकते हैं बच्चे हैं, घर द्वार भी देख सकते हैं कितना बढ़िया बढ़िया, क्या घर है, कैसे मड़ई डालकर गुजारा कर रहे हैं लोग। हम जानना चाहेंगे, यहाँ औरत लोग भी हैं, क्या परेशानी है आप लोगों को, क्या होता हो रहा है बताइए। खाना पाना मन का सब बंद है, रोजी रोजगार चला है और सब बंद है। आदमी हमार है ना, कहाँ से मन कमा के खाए जी, खेती गृहस्थी है ना, बच्चा खैले बिना मरत हम, तीन चार दिन का खाना खा लेंगे। देखिए, ये माता जी हैं, ये भी वही हाल कर रहे हैं, इनके आदमी भी नहीं है। आदमी रहता है तो कमा कर देता है, अगर आदमी नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब खाने बिना ये हैं। बाबू, आप कब का खाना खाए हो? परसों का। आप बाबू? 4-5 दिन का खाना खाए, भूख लगा है। देखिए, लड़का कह रहा है 4-5 दिन का खाया, ये लड़का परसों का खाया हुआ है। छोटे छोटे लड़के हैं, इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। हम जानना चाहेंगे, एक गाँव के व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरिनाथ जी, सर आइए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये चीज़ है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को और प्रशासन को। मैं यही नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन में उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत बंदी से, लॉकडाउन से हमारा देश जो है जो कोरोना वायरस से जूझ रहा है उसे सफलता मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि भाई, हमारे गाँव के बासफोर व्यक्ति हैं, जो बासफोर जात के लोग हैं, जो खाने के लिए दिक्कत है, जो वही रोजी रोटी है बांस काट कर जो है अपना रोजी रोटी चलाते हैं, बीनते हैं डाली वाली, इसी से जो है अपना गुजर बसर करते हैं। हम चाहेंगे कि शासन जो है इनको खाने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा शासन से कि इनको खाने का व्यवस्था उपलब्ध कराएँ, जो भी सुविधाएँ मिल रही है इनको मिले। आप देख सकते हैं, गाँव के नागरिक हैं, ये भी वही बात बोले हैं। हम शासन प्रशासन से यही चाहेंगे कि यहाँ आए और इन लोगों का जो व्यवस्था है खाने पीने की व्यवस्था को ध्यान दे। थाना भैमपुरा पड़ता है, भैमपुरा के हम थाना प्रभारी से चाहेंगे कि आए यहाँ पर और जो भी जैसे इन लोगों की जो आवश्यकता है उस पर ध्यान दें। समता आवाज़ TV की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।